सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंड्रेला'स क्लोज़ेट। तो आज मैं आप सबको एक कट वर्क वाला नेक डिज़ाइन बना के दिखाने वाली हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैंने यहाँ पे बुकरम को फोल्ड करके ऊपर से 3.5 इंच पे मार्क किया है, फिर गले की गहराई की मार्किंग की है 8.5 इंच पे, फिर मैंने नीचे से भी इसको 3.5 इंच पे ले लिया है और अब मैं सारी लाइंस को एक साथ मिला लूँगी और फिर मैं गले को एक राउंड शेप दे दूँगी और फिर मैं अब यहाँ पर एक सर्कल कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सर्कल कट कर लिया, आप देख सकते हैं। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके इसकी जो किनारी वाली साइड है उसको किनारे पर रखूँगी, तो जिससे कि हाफ वाला कटवर्क मेरा इस साइड आ जाएगा और हाफ उस साइड चला जाएगा। और फिर मैं सर्कल को हाफ फोल्ड करके इस तरह से रख के मैं इस पर मार्किंग करूँगी। तो मार्किंग हमें अपने जो मैंने राउंड शेप दिया था नेक को, उसी पे रख के हमें मार्किंग करनी है। और ये जो मैंने सर्कल को कट किया है इसको आप किसी भी कॉइन की हेल्प से कट कर सकते हैं और उसका हाफ लेके इस तरह से बहुत ईजी वे में आप इस कटवर्क को बना सकते हैं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो मेरा ये बनके कंप्लीट हो चुका है। मैं 1-1 इंच की मार्जिन दे दूँगी, तो आप चाहें तो यहाँ पे हाफ इंच का भी मार्जिन दे सकते हैं। 1 इंच वैसे काफ़ी बड़ा हो जाता है, मैंने इसको बाद में कट कर दिया था, काफ़ी बड़ा नेक हो गया था मेरा, इसकी चौड़ाई बहुत बड़ी हो गई थी, तो इसीलिए आप यहाँ पर हाफ इंच का ही मार्जिन दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर मार्जिन दे दिया और सारी लाइन्स को एक साथ मिला दिया है। फिर मैं बुकरम को इस तरह से पिनअप कर लूँगी जिससे कि ये नेक जो मैं कट करूँ उस टाइम भागे ना। तो मैंने पिनअप कर लिया, मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं बाहर बाहर की लाइंस को कट करके एक्स्ट्रा बुकरम को हटा दूँगी और फिर बहुत ही आराम आराम से इसको जो कटवर्क है इसको मैं कट कर लूँगी। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, आप देख सकते हैं कि कितना ईजी है इसको बनाना और ये बनने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत सा लग जाता है। तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है, ये इस तरह से बन के आएगा। मैं इसको एक कपड़े पे चिपकाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने 2.5 इंच पहले उधर का कपड़ा छोड़ दिया है जिसके ऊपर मैं इसको चिपकाऊँगी और फिर मैंने गला अपना 3.5 इंच पर कट किया था, इसलिए मैं 3.5 इंच पर एक मार्क करूँगी और फिर उसी लाइन्स पर फिर से मैं रख के इंची टेप को 3.5 इंच पर मार्क कर दूँगी। फिर मैंने जो नेक कट किया था उसको इस तरह से रख लूँगी, लाइन के बाहर रखना है ना कि लाइन के अंदर रखना है, और फिर मैं इसको प्रेस कर लूँगी। अब मैं 1/2 इंच छोड़ के इसकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग कर लिया है मैंने, अब बाहर के कपड़े को मैं बुकरम के ऊपर रख के सिल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब दोनों पार्ट को मैं इस तरह से बराबर से फोल्ड करके बीच में एक कट लगा दूँगी जिससे कि हमें अपना सेंटर पार्ट पता चल जाएगा। फिर मैं ब्लाउज़ के बैक पार्ट को बराबर से रख के फोल्ड कर लूँगी और उसके भी सेंटर में एक कट लगा दूँगी जिससे कि मुझे इसका भी सेंटर पार्ट पता चल जाए। अब मैं बुकरम को सेंटर पार्ट पे मिला के अच्छे से रख दूँगी और अब मैं इस पर पिनअप करूँगी जिससे कि गला इधर उधर ना जाए और अच्छे से इस पर मैं सिलाई लगा सकूँ। तो मैंने यहाँ पर पिनअप कर लिया है और फिर मैं यहाँ पर बुकरम की बिल्कुल आउटलाइनिंग कर लूँगी, जो मैंने कटवर्क बनाया है बिल्कुल मुझे उसी की आउटलाइन करनी है। तो मैंने कर लिया यहाँ पे, अब मैं सारी पिंस को बाहर निकाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मुझे आउटलाइन ही करनी है, जहाँ तक कि मुझे दिख भी नहीं रहा है यहाँ ठीक से क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर है। तो सिलाई लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो कट मैं केवल 1/2 इंच से भी थोड़ा कम पे ही करूँगी, हमें बहुत ज़्यादा छोड़ छोड़ के नहीं करना है, बस हमें थोड़ा ही छोड़ छोड़ के कपड़े को कट कर देना है। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल कट कर लिया, आप देख सकते हैं। फिर मैं छोटे छोटे से इस पर कट लगा दूँगी, हमें सिलाई पे कट नहीं लगाना है, सिलाई से थोड़ा छोड़ के ही कट लगाना है जिससे कि हमें इसे पलटने में आसानी होगी। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ उसी तरह से आपको बिल्कुल करना है। और अब मैं इसको सीधा कर लूँगी, तो एक एक कटवर्क को मैं अच्छी तरह से सीधा कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपने नेक पार्ट को सीधा कर लिया है, आप चाहें तो इसके ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर इसके ऊपर कोई लेस लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ना तो सिलाई लगा रही हूँ ना ही कोई लेस लगा रही हूँ, और मेरा नेक बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। इसको मैं अंदर से तुरपाई लगाऊँगी बस। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।